जेके न्यूज़ टुडे देख रहे हैं आप और मैं हूं रंजीत ठाकुर। जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को दुनिया भर में किस तरीके से लेकर जाया जाए, इसको लेकर आज एक एक्सपोर्टर्स का कन्क्लेव हुआ जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल डिल्लू ने पार्टिसिपेट किया और उसमें बताया गया कि जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर को लेकर किस तरीके से काम किया जा रहा है और ख़ासकर यहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रही है दुनिया भर में उसको किस तरीके से पहुँचाया जाए उस पर बल दिया जा रहा है। ये आज एक दिन का एक्सपोर्टर्स का कन्क्लेव यहाँ जम्मू में ऑर्गेनाइज किया गया है। तो आपको मालूम है कि जो एपेक्स कमेटी बनी है एग्रीकल्चर के लिए, तो वो एक एक्सपोर्ट पॉलिसी और एक्सपोर्ट प्लान पर काम कर रही है। तो उसके कई सारे प्रपोजल्स, जो कई सारे सजेशंस हैं, वो आए थे। तो आज हमारी कोशिश होगी कि उनको एक्सपोर्टर्स के साथ भी डिस्कस करें, तो उनका इनपुट भी लें कि क्या हमको उसमें सुझाव उनके होंगे, उनको हम अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी और एक्सपोर्ट प्लान में इंक्लूड करें। हमारी कोशिश होगी कि एक एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट है ईफेड द्वारा जो फंड किया जाएगा, लगभग 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट, तो उसमें एक सब्सटेंशियल कंपोनेंट हम एक्सपोर्ट प्लान के लिए रखेंगे, ताकि हमारा एक प्लान बने लगभग 400-500 करोड़ का, जिसमें हम एक्सपोर्ट प्रमोशन पर जोर देंगे, हमारे जो फार्मर्स हैं उनका स्किल डेवलपमेंट पर जोर देंगे, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पर जोर देंगे, क्वालिटी सर्टिफिकेशन पर जोर देंगे, वैल्यू एडिशन पर जोर देंगे, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है ये दुनिया के बाकी बाज़ारों में भी बिक सके, इसका एक्सपोर्ट हो सके और फार्मर की इनकम बढ़ जाए।